नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पर। और इस समय हम लोग मौजूद हैं जदयू प्रत्याशी, रघुनाथपुर के जदयू प्रत्याशी राजेश्वर चौहान जी के साथ। आपको बता दें, जदयू ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है और वो भी हमारे साथ हैं। सर, जदयू से आप मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं जदयू का प्रत्याशी ही नहीं, एनडीए का प्रत्याशी हूँ, एनडीए समर्पित प्रत्याशी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपने दोनों सहयोगी दल जो हम लोग के साथ, हम और वीआईपी के हैं, सबके सहयोग से हमको सिंबल मिला है और मैं 108 रघुनाथपुर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मैं क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ, क्षेत्र भ्रमण में मुझे अपार समर्थन मिल रहा है लोगों का और मुझे लगता है कि मैं रघुनाथपुर विधानसभा से भारी बहुमत से मैं वहाँ से विजय हासिल करूँगा। रघुनाथपुर विधानसभा का पूरे बिहार में रघुनाथपुर विधानसभा अव्वल स्थान कायम करेगा, वहाँ से एक मिसाल कायम करेगा। राजेश्वर जी, आप एनडीए के उम्मीदवार हैं लेकिन एक नेता वहाँ से ऐसे लड़ रहे हैं जो कि एनडीए से उभित है, बीजेपी के नेता मनोज सिंह इस समय लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम वैसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब मैं अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ। वैसे लोग कल लोजपा में रहते हैं, परसों जदयू में रहते हैं, तो कभी आरजेडी में रहते हैं। उन लोगों का सत्ता भूख है, कुर्सी चाहिए, जनता ने उन लोगों को नकार चुकी है। वो अब कहिए कि बेलडमरू जैसा इधर उधर पार्टी अपना चेंज करते रहते हैं, वैसे लोगों का मैं अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं और जनता भी वैसे लोगों को नकार चुकी है। क्या लग रहा है, आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, जनता का अपार समर्थन है, हम लोग वहां अपार वोट से वहां जीत हासिल करेंगे। राजेश्वर चौहान जी, कल नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं आपके पक्ष में, वहाँ पर एक सभा को संबोधित करने वाले हैं, उसके बारे में जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 20 तारीख को राजपुर के हाई स्कूल के मैदान में लगा है। मैं अपने रघुनाथपुर विधानसभा के मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि आप लोग 11 बजे उस सभा स्थल पर पहुँचकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाएं और उनके हाथ को मजबूत करें। राजेश्वर चौहान जी, आपके सामने विधायक हरिशंकर यादव हैं जो कि ऑलरेडी विधायक हैं, उनको राजद ने दोबारा टिकट दे उतारा है मैदान में, क्या लग रहा है कैसे टक्कर? हरिशंकर यादव जी जो 5 साल जो जनता के बीच दूरी बना कर रहे, जो जरूरी कार्य होनी चाहिए उस विधानसभा में उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनके प्रति रघुनाथपुर विधानसभा के सभी जनता में आक्रोश है और जनता उनको नकार चुकी है। राजेश्वर चौहान एनडीए के प्रत्याशी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को लेकर राजेश्वर चौहान वहाँ क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। राजेश्वर चौहान एक सिंपल साधारण अति पिछड़ा का बेटा है जो हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, जिस पर एक भी कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है, साफ सुथरा छवि है, है ना? इसलिए वहाँ जनता हमको लाइक करती है, पसंद करती है और मुझे सहयोग कर रही है। क्षेत्र में चर्चा ये भी चल रही है कि लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। भाजपा के जो वरीय नेता जब एनडीए से अलग हो गया लोजपा, तो भाजपा के जो वरीय नेता लोग हैं वो लोग कह चुके हैं कि उस दल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का जो बैनर है, जो है, फोटो है, वो लोग नहीं लगाएंगे। इसलिए कि चिराग पासवान ने माननीय रामविलास पासवान का जो छवि था उसका भी वो लोग धूमिल कर दिया चिराग पासवान ने, यह जनता ये सब समझ रही है और चिराग पासवान को भी नकार चुकी है। चिराग पासवान का हालत बिहार में ऐसा हो जाएगा कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। सर, ये बताइए, जो लोजपा और भाजपा एक होने की बात हो रही है, तो कैंडिडेट भी तो हर जगह भाजपा का ही लोजपा से लड़ रहा है, आपके जीरादेव में भी वही हाल है, रघुनाथपुर भी वही हाल है, तो क्या लग रहा है आपको, अगर नुकसान पहुंच सकता है? नुकसान भाजपा से अगर बगावत करके अगर कोई अलग झोपड़ी से लड़ता है, लोजपा से लड़ता है, जनता इस चीज़ को समझती है। जनता एनडीए के साथ है, न कि चिराग के साथ है,
जनता पूरा एनडीए के साथ है, एनडीए को मदद करेगी। एनडीए के जो भी आठों कंस्टिट्यूंसी में जो हमारे प्रत्याशी हैं, आठों विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी का जीत हासिल होगा। चलिए, तो ये राजेश्वर चौहान जी थे जो बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मनोज सिंह अगर लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी से उनका कोई संबंध नहीं है, बीजेपी छोड़कर वो लोजपा में गए हैं और जो जनता है इस बार किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। पूरी जनता इस बार राजेश्वर चौहान के पक्ष में वोट करके इनको विधायक बनाने वाले। हालांकि आने वाले 3 नवंबर को ये पता चलेगा जनता किसको वोट देती है और 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि किसको जनता ने विधायक बनाकर भेजा है। बने रहिए लगातार हमारे साथ।